अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिरुद्दीन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कोरोना लॉकडाउन के दौरान शहर के कई गली मोहल्लों को गैर जरूरी तौर पर बंद कर देने की अहमाखाना हरकतें की जा रही है, जिससे आवाम को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ा है। कोरोना वबा से हिफाजती तदाबीर के लिए तकरीबन 2 माह से मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज है। मौलिक बीमारी की रोकथाम के लिए अवाम हुकूमत व इंतजामिया का भरपूर साथ दे रही है। पुलिस व इंतजामिया की जानिब से लगाई गई पाबंदियों को भी बाखुशी कबूल कर रहे हैं, लेकिन बहस गैर समाजी अनासिर गली मोहल्लों के धारकारी भी अपने तौर पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ और रुकावटें खड़ी करते हुए आम लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। ये लोग मुख्तलिफ गली मोहल्लों को बंद कर रहे हैं। खदीम शहर नांदेड़ के दिगलू नाका, मदीना नगर, उमर कॉलोनी, तुराब नगर, हजरबाग, खुदबाई नगर वगैरह इलाकों के बेशतर गली कोचों के दाखिली रास्तों को लकड़ियों और बम्बों के जरिए बंद कर दिया गया है। रास्ते बंद होने की वजह से अवाम को लंबा चक्कर काट कर ज़रूरी कामों के लिए बाहर जाना पड़ा है। खुसूसन हमेला खवातीन, बीमार अफराद और बुजुर्गों को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ा है। पुलिस और इंतजामिया की तवज्जो दिलाने के बावजूद इन खुद साख्ता रुकावटों को दूर नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।